तू कभी नहीं सुधरेगा। अबे बस कर, बस कर, वापस क्या तो वहां आके पीटूंगी। सुप्रभात मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना लेखक दयाराम। देरी के लिए माफी चाहता हूं, बड़े दिनों से एक दिलचस्प कहानी की खोज में था और आज जाकर एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी हाथ लगी तो सोचा आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो अब समय ना बिताते हुए कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बरसों पहले एक घना अंधेरा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दो हिरण रहते थे, नीता और चीकू। दोनों अनाथ भाई बहन थे। चीकू शरीर से कमजोर और अति जिद्दी था। नीता बलवान थी मगर गर्म मिजाज वाली थी। एक दिन दोनों हिरण एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। चीकू पेड़ की डालियों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते गलती से उससे एक डाली टूट गई। उसने नीता की तरफ मदद भरी आंखों से देखा, लेकिन तभी कहीं दूर झिंगूरों की आवाज आने लगी। उस आवाज से क्रोधित होकर नीता झट से वहां से निकल गई, चीकू को अकेला छोड़। चीकू ने इतना सूनापन कभी महसूस नहीं किया था। वो डर के मारे कांपने लगा और पेड़ के पीछे जाके छुप गया। एक चालाक शेर दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो हिरन के गोश्त का प्यासा था। वो धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ा और चीकू से बोला, आओ मैं तुम्हारा खिलौना जोड़ देता। ये सुनते ही चीकू खुश हो गया और आखिर बाहर निकल ही गया। उसके बाहर निकलते ही शेर ने अपने मजबूत पंजों से उसका गला दबोचा और उसे वहीं मार दिया। नीता आई, उसने चीकू को देखा और वो रोने लगी। उसके रोते ही शेर वापस से लिपटा और अपने तेज नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसे भी वहीं मार दिया। इसके बाद शेर ने अगले एक हफ्ते तक शिकार नहीं किया। तो धन्यवाद मित्रों, यही थी मेरी कहानी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जुड़े रहें विद द रियल स्टोरीज चैनल। नमस्कार।